गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रेखा सोनी संस्कृत पढ़ा रही हूँ आपको। क्लास टेंथ है, संस्कृत का षष्ठ पाठ यशः शरीरम्। अभी तक आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पढ़े हैं चैप्टर। अब आपको षष्ठ पाठ यशः शरीरम् बताया। संस्कृत भाषा आप जानते हैं कि कैसी है, और इसको बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है और ध्यान से समझना भी पड़ता है। थोड़ी सी टफ जरूर लगती है, लेकिन है बहुत सरल और अच्छी। संसारे बहुना जन्म जन्म ग्रहणी, किंतु तेषु अल्प जना एवं संसारे ख्याति प्राप्त यशो लभन्ते। संसार के बहुत सारे जन्म जन्म से ही, लेकिन किंतु जो अल्प जन्म लेते हैं संसार में ख्याति प्राप्त करते हैं, यानी कि थोड़े ही समय में जन्म लेने के बाद थोड़े ही समय में वो यश को प्राप्त करते हैं और उनसे लाभ भी पाते हैं। ये सा सुखम स्वाध्याय च परे तजया लोक मंगल भावनायाम लोक कल्याणार्थम कार्य कुर्वन्ति ते एव यश शरीरेण जीवन्ति। ये स्वार्थ मात्र चिंतयन्ति ते तु जीवनो अति वृत्तः इव प्रतिष्ठते, यानी कि तिष्ठति। यहाँ पर सब सुख स्वार्थ को त्याग कर लोग मंगल भावना से लोग कल्याण का हेतु अपने यश अपने शरीर को जीवित रखते हुए स्वार्थ मात्र की चिंता न करते हुए जीवन में आने वाली पूरी कठिनाइयों को मृत्यति दृष्टि, यानी कि मृत्यु के समान समझकर अस्य भावनया विकासा है बात बोधनाय च संकलित कथा अत्र प्रस्तुयते, यानी कि उन्हीं भावनाओं को विकास में बालक बोध के कारण संकलित कर इस कथा के कुछ अंश यहाँ पर दिए गए हैं, उसकी प्रस्तुति यहाँ पर दी गई है। गंगा तीरे मार्कण्डेय नाम कश्चन मुनि बसति स्म। गंगा तीर के किनारे मार्कण्ड नाम के एक मुनि रहते थे। तस्य गुरुकुले बहवः शिष्याः आसन्, उनके गुरुकुल में बहुत सारे शिष्य थे। बहवः मतलब होता है बहुत सारे शिष्य, बहुत। वासुदेवः तस्य प्रिय शिष्यः, तस्य द्विदशवर्षात्मकम् अध्ययनं यदा समाप्तः तदा गुरु तत्त्वज्ञान भक्तः। वासुदेव नाम के जो उनके शिष्य थे वो बहुत प्रिय थे। वासुदेव नाम का शिष्य जो था उनको बहुत ज़्यादा प्रिय था वो। तस्य यानी कि 12 वर्ष की अध्ययन के बाद, 12 वर्ष तक अध्ययन के बाद जब उनकी समाप्ति हुई, अध्ययन की समाप्ति हुई, तब गुरु ने उनसे कहा, शिष्य अधुना भव सर्व विद्या प्रांगतम अस्ति, तुम सारी विद्याओं में निपुण हो चुके हो, अतः इतः परम स्वग्राम गंतुम अर्हतः भावना, अतः तुम इस ग्राम में जाओ और वहाँ देख कर गमनाता पूर्वा भवतः द्वारका पुरस्य देवराजस्य गृहे दृष्टत्वाम् आगतेयाम्, किंतु गृह इस्यातम् न गत्ताम् इति। यानी कि उन्होंने कहा, शिष्य तुम पूरी विद्या में निपुण हो चुके हो, परांगत हो चुके हो, और अब अपनी सर्व विद्या को, परांगत विद्याओं को इसका परीक्षा का फल देखना है हम तुम्हें, तो अब एक काम करो कि तुम एक दूसरे ग्राम में जाओ, वहाँ पर द्वारकापुरी रहेगी, वहाँ पर द्वारका नाम है जिसका गांव का, वहाँ जाओ, वहाँ पर देवराज जिसका गृह देख कर वापस आ जाओ, उसमें जाना नहीं है अंदर। उन्होंने साफ मना करा कि किंतु ग्रह या नाम न गया मामी थी, यानी कि उस ग्रह में जाना नहीं है आपको, सिर्फ देख कर वापस लौट के आना है आपको। वासुदेव तस्मीन एव दिने द्वारकापुरम प्रति प्रतिष्ठ प्रस्थितम वान, यानी कि कुछ दिनों के बाद वासुदेव जो शिष्य थे उनके वासुदेव वो द्वारकापुरी के लिए प्रस्थान कर गए, यानी कि चले। दिन त्रयात्मकस्य प्राणायस्य अनंतरम ताम ग्राम पर्याप्ता सा ग्राम द्वारे इस्ता जनना अपुचितहम देवराजस्य गृह कुत्र इति।
कुछ दिनों के निरंतर चलने के बाद अनंतर उस ग्राम में पहुंचे और उस ग्राम के द्वार पर यानी कि जहाँ पर गांव शुरू होता है वहाँ स्थित जनाना पूछंती वहाँ के लोगों से जो स्थित वहाँ पे लोग थे उनसे उन्होंने पूछा देवराजस्य गृह पुत्र देवराज का गृह कहाँ है, देवराज का घर कहाँ है। वृद्धा की मथा गयती तत्र सुबह सुबह क्या बोल दिया है इसे इति उपेक्षाएं बंधता देव देवराजस्य गृह स्तत्र सूची में बनती है। अपेक्षा से नकारते हुए उन्होंने देवराज का जो राजगृह स्थल था सूचित बंदी यानी कि बताया दूर से वहाँ अग्रहता सा कुपात जलम उत्तर अंतिम महिलाएं याचित महम जलम प्राप्त तम पिबंता अपुच्छत देवराज गृह पुत्र यानी कि अब थोड़ा सा वो आगे चले तो उनको एक कूप दिखा हुआ कुएं में जल भरती हुई कुछ महिलाएं दिखी और उन्होंने जल पीने का याचना की कि मुझे जल पिला दो। जल पीते समय जल प्राप्त तम पिबंता ताम अपुच्छत जल पीते समय उन्होंने पूछ लिया देवराज गृह पुत्र देवराज का गृह कहाँ तस्य पापने नाम की मार्त मम पूरतः उच्चरया देवना उसमें से एक महिला ने एकदम ऊंचे स्वर में कहा किस पापी का नाम ले लिया है आपने किमर्त उच्चराति मम दी यानी उच्च स्वर में एकदम से बोली किस पापी का नाम आपने ले लिया है। इति बंती सा महिला तब निर्गचिता मम इतना ही सुनते ही वो सारी जितनी महिलाएं थी वो सब वहां से जाने लगी गिर गचिता में यानी कि वहां से खिसकने लगी जाने लगी। किंचिता गते गत्रहि गतः वासुदेवः किंचम देवनालये आपश्यतः यानी कि थोड़ा आगे चला आगे जाके वासुदेव एक देवालय मंदिर उसको दिखाई दिया तत्र प्रसादतेन भोजनं वितरणं प्रचलति सः निद्रा विभूषितः वासुदेवं जनानां षष्ठतः उपाशितः वहाँ पर उसको एक मंदिर दिखाई दिया थोड़े जाने के उपरांत चलने के उपरांत थोड़ा दूर जाकर उसको एक मंदिर दिखाई दिया वो प्रसाद वहाँ पर वितरण हो रहा था वो प्रसाद वितरण के लिए वहाँ पर बैठ गया जो प्रसाद मिलेगा तो खा लूँगा निरंतर भोजित यानी कि उसको बहुत तेज धूप भी लगी थी उस समय तो जनाना पंचो उपाशिता और जो वहाँ पर जनाना लोग बैठे थे यानी कि वहाँ के लोग जो पंक्तियों में बैठे थे भोजन प्राप्ति की प्रसादी के लिए वो उस पंक्ति में जाकर बैठ गए यानी कि मंदिर में कुछ लोग प्रसाद का वितरण कर रहे थे वहाँ पर वो मंदिर में उन लोगों के बीच में उन पंक्तियों में जाकर बैठ गया यहाँ पर लोग प्रसाद वितरण कर रहे थे। भोजन समय सब प्रसाद उपविष्टवंत हम किंचितम जन हम आपूचित वासुदेव देवराज किम धनिका यानी कि एकदम से उन्होंने बोला भोजन समय पश्चात उपिष्टम किंचनम यानी कि भोजन करते समय अभी वहाँ पर पानी पीते समय उन्होंने बोला था तो वहाँ से सारी महिलाएं इधर उधर चली गई थी और एकदम से बोली थी किस पापी का नाम नहीं लिया है लेकिन फिर उन्होंने भोजन समय के उपरांत ऊंचे स्वर में कहा एक आदमी से पूछ दिया वासुदेव ने कि देवराज क्यों धनी कहा देवराज कौन धनी है तथा सब पार्षद जना धिक्क भवन तक यानी कि उन्होंने एकदम से कहा कि धिक्कार है तुम्हें किसका नाम ले लिया खाते समय तुमने एकदम से भोजन काले तस्य पापना नाम स्मरात भोजन के समय किस पापी का नाम तुमने ले लिया है कि भोजन का स्वाद कड़वा हो गया जो प्रसाद का स्वाद था वो मीठा था और एकदम से वो कड़वा हो गया तुमने किस पापी का नाम एकदम से अपनी जवान से ले लिया यानी कि उन्होंने पानी पीते समय भी उसका धनी के बारे में बात करी थी और यहाँ पर शादी पाते समय भोजन करते समय भी उन्होंने उस धनिक की बात की थी। इति बंधनम भोजनम परित्याजता उठितता यानी कि उसी समय जिस व्यक्ति से उन्होंने पूछा था वो भोजन से खड़ा हो गया उठ खड़ा होगा भोजन को त्याग कर खड़ा हो गया वो एकदम दृष्टिना परिवेश का वासुदेवाय अन्य पास आदिताम नाम परिविष्टताम ए अपूर्ण दरा एक सात उत्थिम्बा यानी कि वो एकदम से खड़ा हो गया और उसको
देखने लगा वासुदेव को, उसने अन्य प्रसाद को सारे को परी बष्टि व्यक्त कर दिया, लेकिन उसको वहीं छोड़ा और उसको दूर एक दरवाजे का इशारा कर दिया। दुरादेव देवराजस्य गृहे दृष्टिमान प्रत्यगिता सा दिन दिन से अनंतरं गुरुकुल प्रार्थना। उसने दूर से उस देवराज का घर देखा और वापस पुनः अपने गुरुकुल में लौट आए। खाते समय उसने जब पूछा तो उन्होंने बता दिया वहाँ के लोग जो बैठे थे, जनानाम लोग प्रतिष्ठा, यानी उसने बताते समय वो खाना खा रहे थे और एकदम उसने उनका नाम लिया तो वो उठ खड़े हुए और एकदम से बोलने लगे कि तुमने किस अधम का नाम ले लिया है, अब मेरा खाना पूरा कड़वा हो गया, मैंने पूरी प्रसादी जो थी मेरी वो सारी कड़वी हो गई है, अब मैं नहीं जा रहा। लेकिन फिर भी उन्होंने दूर से उसको बता दिया कि वो रहा उसका दरवाजा और वो वहाँ पर है। तो दुरादेव दूर से ही वो देवराज का घर देख कर वापस अपने गुरु को लौट के आ गया। उसी दिन गुरु तम पुनः अवदत् रामनाथपुरम गत्वा रामदेवस्य गृह ज्ञात्वा अग्निमियतम इति। गुरु ने पुनः उनसे कहा, अवदत् बोले, पुनः बोले, अभी तो उन्होंने एक बार बोला था, पुनः माने उसके, फिर उन्होंने बाद में बोला कि रामनाथपुरम गत्वा रामदेवस्य गृह ज्ञात्वा अग्निमियतम। अब तुम रामपुरम जाओ, रामनाथपुरम जाओ, वहाँ पर रामदेवस्य नाम के यानी कि वहां जाकर उनका घर भी देख लगा। शिष्य अनंतरा दिने एव रामनाथपुरम प्रति प्रतिष्ठ प्रस्थितवान मध्य मार्गे तेन सोमपुरा प्राप्त तत्र सगृहस्य पुरत उपविष्टा कांचितः मात्रम अब्दस्स अम्ब किंचितम् दातुमिति। शिष्य अनंतरा चलने के बाद रामनाथपुरम पहुंचा प्रतिष्ठान मतलब प्रस्थित धाम कहते हैं जिसको, रुकना वहाँ पर पहुंच गया। मध्य मार्ग यानी कि मार्ग गांव आने से आधे मार्ग पर वहाँ पर सोमपुर था, वहाँ पर एक छोटा सा गांव और बना हुआ था, सोमपुर प्राप्त था, वो वहाँ पर रुक गया। तत्र सगृहे कुर्यात् उपविष्टा उस घर में उसने धीरे से पुकारा तो किंचित मात्र अदम सा अंदर से आवाज मतलब उसने आवाज़ दी अम्ब किंचम जलम दनातुरिति कि थोड़ा सा पानी मिल सकता है। रास्ते में चल रहा था गांव, एक छोटा सा वहाँ पर सोमपुर मिला उसको, उसने उसने वहाँ अंदर छान कर देखा तो एक अम्मा थी और उसने वो उसकी आवाज़ दी कि अम्मा एक गिलास पानी मुझे मिलेगा या जल मुझे मिलेगा। जलम तथा तो माता आप उचितम भवतम पुत्र कहतम इति। जल देते समय माता ने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो। रामदेवस्य गृह प्रति इति अवदत् वासुदेव, रामदेव के घर जा रहा हूँ। वासुदेव ने तुरंत उत्तर दिया उसको कि मैं रामदेव के घर जा रहा हूँ। अहो प्रातः स्मरणीया सह, अहो प्रातः स्मरणीया सह, वाह वाह कितनी बढ़िया बात है, सुबह सुबह किसका नाम ले लिया, बहुत अच्छी बात कही है। प्रातः स्मरण हो गया है उस नाम का जो बहुत पवित्र नाम था। इति उक्त्वा सा माता वासुदेवा सा स्नेहम अंतः नित्यवः भोजनादिं दत्त्वा सकृतवती तत् निर्गतः वासुदेव रामनाथपुरं प्राप्तः रामदेवस्य गृहे पुत्र इति किंचित् आपृच्छतः स अपि सकृत् स्वयं अगस्त रामदेव गृहे प्रदर्शिन्यां दुरादेव दत्तिष्ठवा वासुदेव गुरुकुल प्रदर्शिते। यानी कि वो कितना अच्छी बात है, प्रातःकाल उसका नाम सुन लिया मेरे कानों में, बहुत अच्छा लगा कि आपने बहुत अच्छे आदरणीय का नाम ले लिया है। तो वो माता ने वासुदेव को सा स्नेह भोजन कराया और उसको आश्रय दिया, आश्रय दिया दत्ता तो सकृत, उसने उसका सत्कार भी बहुत किया। तब निर्गत वासुदेव का रामनाथपुरम प्राप्त और उसने वासुदेव को रामनाथपुरम रामदेव के घर भी पहुँचाया इति कुचित दी और वहाँ सामने बता दिया। साथ अपि सकृतम स्वयं अगस्त रामदेव का प्रदर्शन और उसने स्वयं रामदेव का घर बता दिया और उसका पथ प्रदर्शन भी कर दिया। दुरादेव तत्व दृष्टवा वासुदेव गुरुकुल प्रत्यागच्छत। रामदेव ने उसको घर को देखा और वापस आ गया अपने गुरु,
क्योंकि उसके गुरु की आज्ञा थी कि तुम सिर्फ घर को देख कर ही वापिस लौट के आना है। पूर्ण परिचय प्राप्त कहा इति, अब उन्हें पूर्ण परिचय प्राप्त कई करा उन्होंने। एतम आदिशम मलयानम वासुदेवम पुनरपि द्वारका पुरम प्राप्त राम देवराजस्य गृहे अगच्छतम, यानी कि उसने गुरु की आज्ञा से फिर से उधर पलायन किया। कहाँ पर? वासुदेव फिर से गए द्वारका पुरम में, वहाँ पर जहाँ पहले गए थे वहाँ पर उन्होंने देवराजस्य गृहे अगच्छतम देवराज के गृह को जाना देखा। बेबू मेतम ग्रह तथा बहुत बड़ा बेबू था, परेशान मकान था, द्वार रक्षक तस्य प्रवेशम निषिद्धवान, यानी कि द्वार पर रक्षक थे और प्रवेश करना निषेध था, यानी कि अंदर जाना मना था और वो उस बेवा को देखकर दंग रह गए। बहुधा प्रार्थना यतः कृतः ततस अंतः गत्वा देवराजन वासुदेव आगमनम निवेदितवान, यानी कि वासुदेव ने अपने आगमन की निवेदन किया और जाकर कहो कि देवराज से कि आए हैं कोई आपसे मिलने के लिए। बहुत प्रार्थना करने के बाद भी उन्होंने नहीं जाने दिया। कोपेल ए बही अगत्यः देवराजम किं दनम या चतु अवगता भवतः मया कस्मचित् कमपि न दीयते मम विश्रांति नाशान्ति भवतः निर्गतताम इतः इति तर्ज तर्ज ज्ञात सा प्रेषिता। उन्होंने धन की याचिका को समझकर उन्होंने धन दे दिया और वहाँ पर उसको नहीं बुलाया, अंदर उसको नहीं बुलाया, विश्राम नहीं करने दिया। मम विश्राम न चंदी ममता, उसको विश्राम भी नहीं करने दिया और कारण पूछने से भी उसने नहीं बताया। तद वासुदेव रामनाथपुरम रामदेव से फिर अपचता, अब वो फिर रामनाथपुरम गया, वहाँ पर उसने निशान मकान देखा। पहले तो वासुदेव ने किसका? द्वारकापुरम में देवराज का मकान देखा, वहाँ पर बहुत निशान मकान था, नौकर चाकर थे, लेकिन वहाँ पर कोई ऐसा नहीं था जो किसी की आवभगत करता है। मेहमानों को वहाँ पर नहीं पूछा जाता था और उसको ना विश्राम किया, ना खाना खिलाया, ना कुछ करा, और उसको थोड़ा सा धन देने के विदा भी कर दिया, ना धन देने के लिए भी मना कर दिया कि यहाँ पर कुछ नहीं, आप जा सकते हो। तो वो वहाँ से बिना विश्राम बिना उसके वापस लौट आया और तब वो रामनाथपुरम गया, यानी कि रामदेव के घर गया। अभी किसके घर गया था? वो देवराज के घर गया था, अब रामदेव के घर गया है वो। पर्ण्य निर्मित प्राचीन गृह तमाम, देखा जो पर्ण की छोटी सी कुटिया है वो प्राचीन बहुत पुरानी बनी हुई है, उसका घर जो था बिल्कुल एक झोपड़ी के समान था और पत्ते की कुटिया बनी हुई थी, बहुत पुरानी लग रही थी। कंचनम युवक सागरम स्वागतम कृत पानीय भोजनम नादीनम चस्कृत श्रादी यंत्र व्यवस्थितता अक्रोतम, यानी कि वहाँ से कुछ देर बाद एक युवक आया, वो सादा था, बिल्कुल सादा से उसको नमस्कार किया, उसका स्वागत किया, उसने भोजन और पानी की व्यवस्था की और उसको विश्राम की व्यवस्था करके आराम करने से देखा। विश्रामान्तरतम सा अहम रामदेवस्य पुत्र इति, विश्राम करने के अंदर विश्राम करने के बाद उसने कहा कि मैं रामदेव का पुत्र हूँ इति सपरिचय उक्तवान आगमन कारणम अपुचितम, यानी कि आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं और आपका आगमन किस कारण से हुआ है, ये रामदेव के पुत्र ने पूछा। यथा वासुदेव रामदेवस्य दर्शन इच्छतां प्रकटयातां तदा पुत्रा एकं भावचित्रं प्रदर्शयति, जो वासुदेव थे उन्होंने कहा कि मुझे रामदेव से मिलने की इच्छा है, आप क्या उनके दर्शन करा सकते हैं मुझे? तो युवक ने प्रकटयाता पुत्रा एकं भावचित्रं प्रदर्शयति, मम पिता विश्वन्ति वर्षेणां पूर्वम् एव दिवगतः, उन्होंने एक चित्र की तरह, पुत्र ने एक चित्र की तरह इशारा किया, ये मेरे पिता हैं जो 20 साल पूर्व पहले खत्म हो चुके हैं, दिवगत हो चुके हैं, इनका निधन हो चुका है। इदानी तस् स्मृति मात्रम अस्त्रीलोके, यानी कि उसने कहा सिर्फ इनकी याद के ही सहारे आज भी लोग इनकी प्रशंसा कर रहे हैं। इतनी विषाद ने उन्होंने दम से बोला कि रामदेवस्य ग्रामस्य विकासः देवालय चिकित्सालय विद्यालय ग्रंथालय धर्मशालय उपनिधान न नानी यानी कारितनमाम तत्सर्वनम अप्रचितम वासुदेवम ग्राम सर्वे रामदेवम सगौरव स्मरन्ति सम, यानी कि वो छोटी सी झोपड़ी में रहने के बावजूद भी उनके पुत्र बहुत संस्कारित थे, वो बहुत संस्कार
के थे और उन्होंने विकास की उस गाँव में बहुत सारा विकास किया था, जिसमें देवालय मंदिर बनवाए थे, चिकित्सालय अस्पताल बनवाए थे, विद्यालय पाठशालाएं बनवाए थे, ग्रंथालय बनवाए थे, यहाँ पर लाइब्रेरी धर्मशाला उप उद्यान आदि बनवाए थे, यानी कि धर्मशाला और बहुत सारे उद्यान बनवाए थे। यानी करना सर्वसर्वना उचित वासुदेव ने उन्होंने सारे वासुदेव को दिखाए और ग्रामी सर्वराम देवा को सब गुरु का सुना दी। इसी कारण रामदेव को वहाँ पर गौरव प्राप्त है, यश प्राप्त है और ये सारी चीज़ें उन्होंने बनवाई थी उन लोगों के लिए जो आज उनको यूज कर रहे हैं। देवराजे जीवंती सती अपनी गो अपनी तस्मिन आदरण नाम। देवराज जीवित होते हुए के बाद भी आदर का पात्र नहीं है। राम जैसे तो विषयती वर्षा पूर्वा में मम दिग्गंध चेतपी जना प्रतिदिन सहस्वादी। और रामदेव जो 20 साल पूर्व मर गए उसके बाद भी आज लोग उनकी स्मृति कर उनकी याद करते हैं और उनको प्रतिदिन स्मरण करते हैं। स समाज इतना चिंतियंती स मृत्यु पर जीवती, क्या समाज के हित में चिंता का विषय नहीं है कि जीवन के बाद भी मतलब मरने के बाद भी उनको आज भी जीवन दिया है, बात की जाती है, उनकी याद की जाती है, उनका स्मरण किया जाता है। स स्वात मात्र चिंतनती स तो जीवन अपनी मृत्यता एक अवगत वाता वासुदेव मया रामदेव से जीवन शरणीय से कलपम सब ग्राम आकर्षता। उन्होंने स्वार्थ मार्ग की चिंता से अपने जीवन की उन्नति करी और अपनी उन्नति के साथ साथ वहाँ पर गांव की भी उन्नति करी और उनका जो वासुदेव थे उनका आवभगत वहाँ पे हुए, उनका स्वागत हुआ और उनके सब देख कर बहुत हर्षित हुए और उन्होंने अपने जीवन में रामदेव के जीवन का अनुकरण किया और उसको संकल्प लिया कि इसी तरह से वो इस गांव के में रहेंगे और इस गांव जैसे हम बनाएंगे और उस गांव से उन्होंने विदा ली और वो वापस उस गांव से आ गए। ये तो आपकी थी कहानी जो वासुदेव ने अपने गुरु के द्वारा उसको देखा था, सीखा था, समझा था और वहां पर जाकर उन्होंने प्रत्यक्ष देखा कि रामदेव और देवराज दोनों किस तरह के थे। देवराज के पास इतनी मेहनत थी, अटारे थे, पैसा था, लेकिन उसके पास भी उसका कोई यश नहीं था। यहाँ पर उसके पास एक छोटी सी झोपड़ी थी, उसके बाद भी उसका बहुत यश था। उसके नाम से अनाथालय, चिकित्सालय, उद्यान, पाठशालाएँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही थी जो उनका नाम लेके स्मरण करके बहुत याद करके उनको पुण्य कमाती थी। ये तो थे आपकी इस कहानी का हिंदी अनुकरण। अब आता है ये शब्दार्थ जो आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। फिर आता है पदेन उत्तर। मार्कंडे नाम ऋषि पुत्र बस्ती सहा। मार्कंडे नाम के ऋषि कहाँ बसते थे? गंगा तीरे, नदी गंगा के किनारे रहते थे। वासुदेव कस्य प्रिय शिष्य आसी, उनके प्रिय शिष्य कौन थे? वासुदेव प्रिय शिष्य थे उनके मार्कंडस के। क्वेश्चन है वासुदेव प्रथम कस्य गृह प्रति प्रति स्थितम। सबसे पहले वो किस घर में गए थे? देवराज के घर में गए थे। रामदेव कस्मिन ग्रामे बसते स्वयं, फिर उसके बाद रामनाथपुरम गए थे। जना प्रतिदिन उसका स्मरण के सभा, लोग प्रतिदिन किसकी को स्मरण करते थे? रामदेवम को करते थे, रामदेव को करते थे। अब ये थे अपने पदेन गवाता एक बार के का मृत्यु अपनी जीवंती। आंसर इसका यह समाज तुम जयंती सामृत्यु अपन जीवंती है ना। का जीवनोपनी मृत्ता एवं या स्वार्थ मात्र चिंतित साधु जीवन मृत एव। देवालय की प्रचलित सह क्वेश्चन है आंसर है देवालय प्रसाद त्रीन भोजन वितरण प्रचलित सुबह। जलम दत्तवः माता किम अप्रोचितम। जलम दत्तवः माता अप्रोचितम भवता पुत्र ग्रामो इति। भोजन परिवेश काम किम कृतवतः। भोजन परिवेश का वासुदेवाय अनुपाय सदिकम सह परिवेहंतु। ये तो थे आपके पदेन। अब आते हैं आपके अतुलिखित प्रश्न जो आपके बुक में ही दिए जाते हैं। कोपेन राजदेव के पुत्रवान, इसका आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा कि देवराज किम जनम या तो चित्तम आप भक्तः मया कचित चित्तम की अपनी न कहते मम विश्रामता न शांति भक्ता निर्यातम इति। यानी कि ये तो आपका फर्स्ट वाला कथा। सेकेंड है अतुलिखित का पुत्र वासुदेव विशाल कुमृत को मुक्तवान, इसका सेकंड है कि मम पिता विश्वंती वर्षः
पूर्वम एवं दिगतः इतनामि तस्य स्मृति मात्र अस्ति लोक। आज में उनकी स्मृति विस्तार बात भी है। थर्ड है यदा वासुदेव संतन समाप्त गुरु तामहिम किंवत वहाँ पर कहाँ पर गए थे तब आए था आपका शिष्य आपका भावना समय विद्या प्रागता आस्ती अतः इतः परम स्वग्राम गयंतुम आर्यंता भवान गमना पूर्व भक्ता द्वारका पुस्से देवराजस्य गृह दृष्टवाहवा आगतायाम किंतु ग्रह सयांतर न गत्यम इति। ये तो आपके क्या थे अधिलिखित थे। हम आपके आते हैं अधिक स्थान जो तत्र प्रसाद रेंते भोजन प्रचलित सह वासुदेव किंचन देवला है आप्रेशत मया भोजनम जीवनम मनोसुमरण हम गुरुकुले रामदेव से शिष्य आस्तीन और मध्य मार्गे देन सोम्रम प्राप्त योजक जोड़ियाँ होती हैं। मार्कंडे मुनि थे वासुदेव शिष्य थे द्वारकापुरम देवराज थे नाथमपुरम रामदेव थे गंगा तीरे मुनि थे यानी कि मुनि बसते थे वहाँ पर रहते थे। शुद्ध अशुद्ध आते हैं आपको क्योंकि अशुद्ध वाक्य होते हैं जो नाम होते हैं जो शुद्ध वाक्य होते हैं वो आम होते हैं। गुरुकुल बहवः शिष्य आसन आम मध्य मार्गे तीन रत्नपुरम प्राप्त नाम सोमपुर पड़ा था मार्गे सर्वदेव राजा सगौरव स्मरण सा न रामदेव प्रात स्मरणीय आसी आम रामदेव से गृह भवनोपाल आसी न। इसी तरह से आपको अधोलिखितम पदनाम मूल पद विभक्ति वचनम चा लिखत। अब इसमें आपको पदम आता है मूल पद आता है विभक्ति आते हैं और वचन आते हैं। आपको ये तीनों यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर करके बताना है। कैसे पदम मूल पदम उसके बाद आती है विभक्ति और लास्ट में आता है वचनम। अब यहाँ पर हमारा पदम यानी कि जो शब्द होते हैं वो सारी शब्द आपको लिखना पड़ता है। जैसे आता है कुपात कुपात संस्कृत का अक्षर होता है इसको हिंदी में कुआ बोलते हैं। इसका मूल पदम होता है कु मीन्स कुआ। यहाँ पर हमने कुपात की पदम शब्द था उसको लिखा फिर मूल पदम शब्द है यानी कि यहाँ पे जो कुआ के नाम से आते हैं। अब इसकी विभक्ति कौन सी बनती है वो देखिए इसमें बनती है पंचम विभक्ति। कहाँ से आती है कैसे आती है ये आपको भी बता रहा है और बचकम होता है इसमें एक बचन। अब देखिए यहाँ पर उपात है ये पदम से हम वो शब्दों को लेते हैं जिन शब्दों से हमारे लिए यहाँ पर विभक्ति बनती है। देखो उपात आता है पंचम विभक्ति में एक बचन में आता है आपसे अगर मैंने भी कहा है कि जब तक आपको रूप और धातु याद नहीं होंगे तब तक आपको विभक्ति वचनम नहीं आपको याद नहीं होंगे क्योंकि हम जब उन्हीं उन्हें वो ही सीख सकते हैं जो इसको याद कर लेते हैं। जैसे कि एक रूप को भी आप याद कर लेते हैं तो सारे रूप ऑटोमेटिक आपके बनते जाते हैं। अब आता है इसी तरह से गंगा तीरे तो यहाँ पर आपको लिखा पड़ेगा गंगा तीरे गंगा तीरे इसका मूल शब्द है गंगा तीर। सप्तमी विभक्ति बनती है इसकी और एक वचन होता है। इसी तरह से दानेन आएगा मूल शब्द इसका दान होता है और तृतीय विभक्ति होती है। आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ जब तक आपको रूप याद नहीं होंगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। रूप आपको एक याद करना ही पड़ेंगे और रूप याद हो जाएंगे तो ये आसानी से आपके लिए समझ में आ जाएंगे। इसी तरह मम अस्मद सृष्टि विभक्ति एक वचन तम तर द्वितीय विभक्ति एक वचन ग्रामे ग्राम सप्तमी एक वचन। इसी तरह से आपको रूप याद करना पड़ेंगे और रूप याद कर लोगे तो आपको ये विभक्तियाँ रूप पर और वचन याद हो जाएंगे। अब आता है आपका प्रकृति पदानाम प्रत्यय यानी कि जो हिंदी में हमारे पीछे वाले
पर। तो अभी यहाँ पर हमको अलग करने की ये भी आपको बता देते हैं हम, मूल शब्द से यहाँ पर धातु, धातु के बाद आता है यहाँ पर प्रत्यय, क्योंकि हमें प्रत्यय करना है इसलिए प्रत्यय। पता है इसका है जैसे बदलती यानी कि बोलना बोलती है, इसका एक ही शब्द आता है पर इसका प्रत्यय हमको अलग करना है, तो यहाँ पर शब्द काम नहीं था, कोई काम नहीं
खुद भी जीवित नहीं थे, लेकिन उनका बेटा था, वो बड़ा संस्कारी था। उन्होंने उसको वासुदेव को अंदर बुलाया अपनी झोपड़ी में और उनको आदर के साथ, सम्मान के साथ उनको भोजन दिया, पानी दिया और इसी तरह उन्होंने उनका स्वागत किया। और फिर विश्राम करने के उपरांत उन्होंने उनसे पूछा कि आपका आगमन किस कारण हुआ है। तो उन्होंने बताया कि हम रामदेव को देखना चाहते हैं। उन्होंने दूर से इशारा करके बताया एक फोटो की तरफ कि वो रहे मेरे पिताजी, जो आज 20 साल पहले इनका देहांत हो चुका था और ये अब दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी बनाए हुए बहुत सारे जो काम थे वो आज स्मरणीय हैं। देवालय, चिकित्सालय, धर्मशालाएँ, उद्यान, पाठशालाएँ, ऐसे काफ़ी निर्मित उन्होंने ऐसे कार्य किए थे जिससे वो आज भी जीवित हैं, उनका नाम भी जीवित है। तो ये तो उनके लिए उनके बारे में बताया गया था। वासुदेव को ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी, अनुकरणीय लगी, यानी कि उन्होंने जो 12 साल पढ़ाई की थी उससे उनका महत्व सिर्फ दो परिवार को देखकर ही पता चल गया था। जीवन में यदि हमें पढ़ाई करनी है, जीवन जीने के लिए करना है, किताबें पढ़ाई नहीं करनी। इसी तरह से उन्होंने उसका अनुसरण किया और उसको जीवन में उतारा। ऐसे साथ ही यहीं पर आपका चैप्टर क्लोज करते हैं जी। थैंक यू।